तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उसके बाद हरियाणा में लगातार सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, वहीं कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं वो राज्यपाल से मिलने का समय मान रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, पूर्व जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी राज्यपाल को पत्र लिखा है, कांग्रेस के सभी विधायक राज्यपाल से समय मिलने का मांग रहे हैं, क्या अल्पमत में सरकार नजर आ रही है? मेरा आपके सीएम के माध्यम से कहना है कि जो अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था वहाँ पक्ष भी था, डिप्टी सीएम साहब थे, पक्ष सत्ता के लोग थे और उसमें अविश्वास प्रस्ताव गिरा था और आज सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और समय कब होगा, जो न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर होगा, समय पर होगा, सारी चीज़ जो भी है जो बहुमत के पास है वो दिखाएंगे, जो नियम है कानून के उस नियम के तहत सरकार मजबूत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार को खतरा नहीं है, पर जो आपके साथ सहयोगी पार्टी थी जेजेपी, वो तो सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, कह रही कि अल्पमत में सरकार नहीं है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मेरा कहना है कि वो तो माहौल चुनाव के माहौल में जिस तरह के चुनावी माहौल जो बनाने का प्रयास करते हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और जब उस तरह की कोई कानूनी प्रक्रिया होगी सरकार हर एक के लिए तैयार है और जो भी कानून होगा कानून के तहत, जो कानून कहेगा उस कानून के तहत जो मानते हैं, आज पूर्ण बहुमत है और वो बार बार स्थिति का दबाव देते हैं, पर इनको जानकारी है विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था और वो धराशायी हुआ था। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था ये आप कह रहे हैं, पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी विधायक हैं, उन्होंने भी राज्यपाल से समय मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि जेजेपी के 10 विधायक लिख कर देंगे तो हम राज्यपाल से जरूर मिलेंगे इस बात को लेकर। देना जेजेपी लिख के देना, पहले लिख के देना, कौन दे रहा, लिख के दे 10 विधायक लिख के दे, जो जेजेपी के विधायक है लिख के दे, जब लिखेंगे 10 विधायक मान लेंगे जी, लिख के दे। सर, वही चुनावी माहौल है, किस तरीके की तैयारी हरियाणा में नजर आ रही है? आप भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में आप भी लगातार काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरे देश में, प्रदेश में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माहौल है, ये देश के हित में चुनाव है, राष्ट्र हित का चुनाव है, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव का पर्व है और राष्ट्र हित में चुनाव होने वाला है, देश के हित में चुनाव होगा, जाति बिरादरी का चुनाव नहीं, कोई छोटा चुनाव नहीं है और सब लोग देश हित में वोट करेंगे, राष्ट्र हित में वोट करेंगे और राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए क्या है कि आज देश के माहौल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हक में सब लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट अपील भी कर रहे हैं, लोग स्वयं कर रहे हैं, छोटा कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी नाराजगी हो सकती है पर देश से नाराजगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी विशाल के साथ राजा पटेल, फरदाबाद, खबर अभी तक।